यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने आपको दिखेगा आम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और वो अरविंद केजरीवाल को, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाएंगे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उसके विरोध में, अरविंद केजरीवाल के विरोध में यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर सामने अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो पहुँचे हुए हैं, तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या नाम है आपका? मैं मनोरी, एक्स मनोरी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से। तो ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं क्या कहें? देखिए पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है और खास करके दिल्ली का हर निवासी जानता है कि 15 साल तक बीजेपी ने किस तरह से MCT के अंदर करप्शन किया और पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बना दिए। आज CM साहब आके ये कह रहे हैं कि अगर हम आम आदमी पार्टी अगर MCT में आती है तो हम इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। तो दर्द हो रहा है, ये नहीं चाहते, ये तो दिल्ली को पूरा पूरा कूड़ा कूड़ा करना चाहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं गौतम गंभीर ने ये कूड़े का पहाड़ कम किया है। कहाँ कम किया? 15 साल तक इन्होंने MCT पे राज किया, कहाँ कम किया? दिन प्रतिदिन ये दिन प्रतिदिन चोर है बढ़ता जा रहा है। हम तो सुन रहे हैं, तो मांग इतनी है कि देखिए ये हमारे पहाड़ है, दिल्ली वासियों को आपने जीवन नर्क बना दिया है, तो कम से कम इस तरफ देखिए आप। तो ये देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने है आज दिल्ली में, गाजीपुर में। गुजरात चुनाव हो और चाहे हिमाचल चुनाव हो, अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। पुलिस यहां पर मौके पे हर है, कोई भी अनुचित ना हो दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े नहीं, इसलिए पुलिस सामने पहुंची हुई है रोकने के लिए। तो यहां का जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस भारी मात्रा में पहुंची है। तो भाई साहब ये गुंडों की पार्टी है, अभी अभी मेरे से दो महिलाएं भिड़ गई जो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, दो इनके कार्यकर्ता थे जो जेंट्स वो घुस गए और हमारी महिलाओं पे एलिगेशन लगाने लगे कि मतलब ये महिलाएं हमें छेड़ रही हैं और महिलाएं एलिगेशन लगा रही हैं ये जेंट्स हमें छेड़ रहे हैं। उस औरत ने मेरे यहाँ पे धक्का मारा, हमारी यही बात कह दो दारू के दलालों को, जूते मारो सालों को, 8 साल में नहीं आए। आज MCD का चुनाव हो रहा है तो कूड़ा घर दिख रहा है। अरे आप केजरीवाल जी बता दो 8 साल में किया क्या? ये तो खुद कूड़ा आएगा, ये क्या कूड़ा साफ करेगा? ये दिल्ली का कूड़ा केजरीवाल गैंग। जब दिल्ली के MCD का चुनाव आते हैं तो केजरीवाल नजर आता है। भाई तू पहले कहा जाता है हमारा गौतम गंभीर जी ने कूड़े का काम किया है और केजरीवाल श्रेय ले नजर आए। वापिस जा केजरीवाल, वापिस जा। केजरीवाल दलाल है, केजरीवाल चोर है और दारू के में भी है चोर। आप केजरीवाल को कूड़ा बता, ये केजरीवाल नहीं, केजरीवाल गैंग कूड़ा आएगा। जब निगम का चुनाव आते हैं तो उनको गाजीपुर याद आता है, जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो उनको दिल्ली बिजली पानी याद आती है, जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो ये देश माता का भक्त बन जाता है। सबसे निकम्मा देश का नहीं, वर्ल्ड का सबसे निकम्मा ये राजनेता आएगा, ये कोई नेता भी नहीं कह सकते। 8 साल से वो मुख्यमंत्री है, 9 साल से, उन्हें ये नहीं मालूम था ये इतना बड़ा पहाड़ कूड़ेगा हुआ गाजीपुर को। पर पूरी दिल्ली में 1 रुपये नहीं लगा रखा, 13,000 करोड़ रुपए प्लस क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार खुजली बाज है केजरीवाल। इस बार दिल्ली की जनता जाग उठी है, इसकी खुजली मिटा गए, इसको ऐसी जगह फेंकेगी जहाँ इसका वायरस दोबारा दिल्ली में नहीं आएगा। और केजरीवाल वापस जाए, जो काम हमारे सांसद गौतम गंभीर ने किया वो तू श्रेय नहीं लेगा। दिल्ली का CM चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। जूते मारो सालों को, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया। जो दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री आया जो 7 साल गाजीपुर में कभी नहीं आया और आज MCD चुनाव के नाटक के लिए वो ये पहाड़ देखने आ रहा है, वो क्यों निगम के कर्मचारियों की सैलरी नहीं देता? जूते मारो सालों को, दारू के दलालों को, जूते मारो सालों को, दारू के दलालों को, जूते मारो सालों को, दारू के दलालों को। अरविंद केजरीवाल यहाँ गाजीपुर में आए हैं, क्या कहेंगे?
हम ये कहेंगे केजरीवाल वापस जाओ, नकली ढोंग मत करो, दिल्ली में कुछ काम करके दिखाओ फिर कहीं जाओ। 8 साल में एमसीडी को 1 रुपया फंड नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। आज यहाँ श्रेय लेने आ रहा है दारू का दलाल। ये नौटंकी बंद करो, बंद करो। अरे कैसे यमुना जी साफ नहीं हुई, वैसे इसका भी कोई समाधान केजरीवाल पे नहीं है, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं और रात में गुजरात निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग केजरीवाल को कूड़ा बता रहे हैं। केजरीवाल है ही कूड़ा, उन्होंने कुछ नहीं करा दिल्ली के विकास के लिए, सिर्फ स्टंटबाजी करने आए हैं। यहाँ भी आज यही करने आए हैं, ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है, कोई विकास का कार्य नहीं करना। हम ऐसे केजरीवाल का विरोध करते हैं, दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से विरोध करती है। हम लोग नारे लगा चोर भाई चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर भाई चोर है, केजरीवाल चोर है, के दलालों को जूते मारो सालों को। अरे शराब माफिया चोर है, चोर है भाई चोर है, अरे शराब माफिया चोर है, चोर है भाई चोर है। ये मैम अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, आज 8 सालों से आपकी सरकार है, आप सो रहे थे। जिस दिन हमारे एमपी गौतम गंभीर बने थे, उनका सबसे पहला मुद्दा यही था कि इस कूड़े के ढेर को खत्म करना है, और एमसीडी द्वारा इस कूड़े के ढेर को खत्म किया गया। आज ये 60% नीचे जा चुका है। जब सारा काम हो चुका है तो आप सिर्फ क्रेडिट खाने के लिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। वो क्रेडिट हम आपको नहीं लेने देंगे। ये बीजेपी द्वारा किया गया कार्य है, उसका क्रेडिट हम किसी को नहीं जाने देंगे। देखो देखो कौन आया, चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे हैं, कूड़े का ढेर देखो, एक दिल्ली का पाखंडी, दिल्ली का ड्रामेबाज, दिल्ली का झूठा शराब, जिसने पूरी दिल्ली को शराब में डुबा दिया, दिल्ली का ऐसा चोर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आया है। नारे लग रहे देखो देखो कौन आया, सब लोग कह रहे हैं चोर आया, चोर आया, चोर आया। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर क्यों पहुँचे? देखिए ये अपनी नाकामियों, 8 साल से मुख्यमंत्री है और आज एक जो लैंड साइड है गाजीपुर की, यहाँ देखने आया है। क्या इसको 8 साल में एक दिन नहीं आना चाहिए था? जो एमसीडी का 18,000 करोड़ रुपया है जो बकाया है, जो एमसीडी के भाइयों बहनों को, जो वहाँ जो काम करने वाले लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, वहाँ इस आदमी ने राजनीति करी और आज निगम के चुनाव तो आज ये लैंड साइड पर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। बीजेपी ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया? बीजेपी यहाँ के RWA मार्केट एसोसिएशन सब लोगों ने किया। ये पाखंडी आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये बेमान आदमी है, ये ड्रामेबाज आदमी है, ये ड्रामे करने आया है, सहानुभूति लेने आया है, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार निगम के चुनाव में इनको खाड़ फेंकेगी। आप ये देखिए, अगर काम करने के लिए आते तो ये प्रचार की क्या जरूरत है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्रचार कर रहे हैं। पिछले 7 सालों के अंडर एमसीडी का इन्होंने 13,500 करोड़ रुपया रोक करके एमसीडी को काम करने में सिर्फ और सिर्फ बाधा डाल दी है और काम नहीं करने दिया। जिन सफाई कर्मियों ने अपनी जान पर खेल कर कोरोना में काम किया, उनकी तनख्वाह रोकने का इन्होंने काम किया। आज चुनाव आते ही इनको कूड़े के पहाड़ की याद आ गई। हमारे गौतम गंभीर जी, सांसद जी ने इसको कितना फिट नीचे करा करके कंपैक्टर मशीनें लगाई यहाँ पर और निरंतर काम चल रहा है। आज उसके बाद ये तुष्टिकरण की राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। सर देखिए दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार का की सरकार चलाती है। कोई काम करता है आके क्रेडिट चेपना इनका पुराना आदत है। काम कोई करता है क्रेडिट चेप दिया, जी मैंने किया है, ये इनका शुरू से रहा है, दिल्ली की जनता देख चुकी है। एमसीडी को पंगू बनाने में इन्होंने एक भी फोन किया, हम हरे 13,000 करोड़ रुपए इनके पास बकाया थे, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसके बावजूद भाजपा ने एमसीडी में 5 साल बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली की जनता देख रही है कोरोना में सबसे ज्यादा काम हुआ। ये प्रचार पाने के लिए केजरीवाल आज यहाँ इस कूड़े के ढेर पर, गाजीपुर लैंडफिल पर जो विजिट कर रहा है, ये एक पाखंड और प्रचार का माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केजरीवाल कह रहे थे कि हमने यमुना साफ कर देंगे, 2014 से लगे हुए हैं यमुना साफ कर देंगे, लेकिन अब तक यमुना भाग्य की बात है। 2,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में ले लिया और आज यमुना में देखिए जो ये जो मतलब इतनी दूषित जमुना हो गई है, और दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए आज जो हमारा पवित्र त्यौहार है छठ पूजा, उसको मनाने की वो परमिशन नहीं दे रही।
और अपनी कमियों को छुड़ाने के लिए इनकी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो सामने आ रहा है। दिल्ली में ये कहा इनका आदेश था कि जो भी पटाखे जलाएगा पटाखे चलाएगा उसको ये लोग तिहाड़ जेल में भेज देंगे। जेल एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि यमुना की सफाई हम करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने कूड़े का ढेर कर दिया। क्या कहेंगे आप, यमुना की सफाई क्यों नहीं कर पाए? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, एमसीडी के 18,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली में टैक्स इकट्ठा होता है जिसका 12.5% एमसीडी के डेवलपमेंट के लिए जाता है, इन्होंने पिछले 8 साल में 1 रुपये नहीं दिया। आप बताइए कि एमसीडी के कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जो वहाँ सफाई कर्मचारी, उनके 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं है। इसका सारा जो श्रेय है ये जो सब चीज़ें दिल्ली के अर्थव्यवस्था के लिए दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है, जो एक नंबर का धूर्त व्यक्ति है, एक नंबर का मक्कार है, बेईमान है, चोर है, झूठा है, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी, जो राम मंदिर का विरोध करता था, जो देखिए दिवाली का विरोध करता है, एक नंबर का बेईमान आदमी है।